तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा हॉस्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन बड़ी अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है यूपी टीईटी 2021। साथ ही अगर बात करें प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सीएम योगी के ट्वीट और इसके अलावा 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण के घोटाले को लेकर सरकार ने अपनी गलती को स्वीकार किया है, इसके बारे में भी जानकारी देखने के लिए मिल रही है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, साथ में शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप सभी को इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती रहें। साथ में वीडियो को लाइक करके साथ में शेयर भी कर दिया करें, जिससे कि आप सभी तक तमाम जानकारी के साथ में हमें मोटिवेशन भी मिलती है। तो लाइक का बटन दबा दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टीईटी 2021 को लेकर बहुत सारे छात्र इंतजार कर रहे हैं और वो सभी छात्र भी इंतजार कर रहे हैं जो कि नई शिक्षक भर्ती का सपना सजोए बैठे हुए हैं। भले ही सरकार की तरफ से समय समय पर यूपी टीईटी के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई है, लेकिन ऐसे में जितने भी प्रस्ताव भेजे जाते हैं उसमें एक आशा की किरण देखने के लिए मिलती है कि शायद इस बार यूपी टीईटी को लेकर जो मंजूरी मिल जाएगी। लेकिन ऐसे में खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है कि यूपी टीईटी 2021 को लेकर आगामी 10 दिनों के अंदर आपके सामने जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। साथ में परीक्षा की तारीख को लेकर भी जानकारी देखने के लिए मिली है। अगर सब कुछ ठीक रहता है और शासन की तरफ से मंजूरी मिल जाती है तो आपकी जो परीक्षा है वो 28 नवम्बर 2021 को भी करवाई जा सकती है। मतलब आसान भाषा में आपको समझा दें तो यूपी टीईटी को लेकर पीएनबी की तरफ से एक नया प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है, जिसके क्रम में आपकी परीक्षा को 28 नवंबर 2021 को कराए जाने को लेकर यहां से जो प्रस्ताव भेजा गया है। लेकिन अंतिम मोहर तभी लगेगी जब शासन की तरफ से मंजूरी मिल जाएगी। उसी को लेकर यहाँ पर जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि यूपी टीईटी 2021 का जो नोटिफिकेशन होगा आगामी 10 दिनों के अंदर जारी कर दिया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाले छात्रों के लिए इससे बड़ी खुशखबरी कोई नहीं हो सकती है। उसी क्रम में आप सभी यहाँ पे भी सुन सकते हैं। तो यूपी टेट का सर कब तक कुछ आंकड़ा हो सकता है कि किस महीने तक ये जारी हो सकता है? अगले 10 दिनों में हो सकता है। 10 दिनों में सर? तो यूपी टेट का सर कब तक कुछ आंकड़ा हो सकता है कि किस महीने तक ये जारी हो सकता है? अगले 10 दिनों में हो सकता है। 10 दिनों में सर? तो जैसा कि आप सभी ने सुना कि यूपी टीईटी 2021 को लेकर जानकारी देखने के लिए मिल रही है, आगामी 10 दिनों के अंदर आपके जो नोटिफिकेशन को जारी करके आपकी जो परीक्षा है वो 28 नवंबर 2021 को करवाई जा सकती है। लेकिन इसमें सब कुछ डिपेंड करेगा शासन की मंजूरी। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, अगर शासन की तरफ से मंजूरी दे दी जाती है तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो 10 दिनों के अंदर जारी करते हुए 28 नवंबर को आपकी परीक्षा करवा ली जाएगी और उसके बाद में नई शिक्षक भर्ती के लिए भी यहाँ से खुशखबरी देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें नई शिक्षक भर्ती के अलावा, सीएम की तरफ से लगातार कई ऐसे जो ट्वीट है वो देखने के लिए मिलते हैं जो कि प्राथमिक शिक्षक भर्तियों के लिए किए जाते हैं। उसी क्रम में आज की तारीख में भी तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा सीएम योगी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की तरफ से ट्वीट करते हुए जानकारी दी जाती है। उनका कहना है कि कायाकल्प की अगर बात की जाए और साथ में विकास को लेकर बात की जाए तो पिछले 4.5 वर्ष के अंदर मुख्यमंत्री की तरफ से उनके यहाँ पे रिकॉर्ड जो भर्तियाँ हैं वो की गई हैं। उसी क्रम में और भी तमाम जानकारियाँ लिखी हुई हैं। एक कटिंग को भी यहाँ पे रखा गया है जो कि पुरानी कटिंग है, लेकिन सरकार ने इसको ट्वीट में मेंशन किया है। उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि 68,500 शिक्षक भर्ती करवाई गई है, लेकिन मजे लेते हुए यहाँ पे मीडिया की तरफ से 1 0 ज़्यादा लगा दी गई है। तो ऐसे में 6,85,000 हो सकता है कि आपको दिख रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे 68,500 की बात की जा रही है। इसके अलावा 51,000 पद खाली है, इसको लेकर भी जानकारी देखने के लिए मिल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ 10,768 पद को लेकर बात की जाती है जो कि एलटीगेट शिक्षक भर्ती के बारे में कहा गया है। मतलब सरकार की तरफ से एक बार फिर से अपने तमाम जो काम को गिनाने का कार्य किया गया है। ऐसे में अगर पुरानी भर्तियों पर ध्यान ना देते हुए नई भर्तियों के बारे में सरकार विचार करे तो छात्रों को बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। फिलहाल ये बात हो जाती है आप सभी के सामने जहां पे सीएम की तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि पिछले 4 सालों के अंदर 4 लाख से ज्यादा नौकरियां दी गई हैं और शिक्षक भर्तियों को लेकर बातें आप सभी के सामने लिखी हुई हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में, 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में उप मुख्यमंत्री की तरफ से इस बात को कंसीडर किया गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर आरक्षण का घोटाला हुआ है।
आरक्षण को लेकर थोड़ा ऊपर नीचे देखने के लिए मिला है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कहना है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की तरफ से। उन्होंने आज एक मीडिया चैनल से बात करते हुए इस बात को स्वीकार किया, साथ में पहले सरकार की बड़ाई की कि हमने पिछले 4 सालों के अंदर 4.5 लाख को रोजगार दिया है, जैसा कि आप सभी हमेशा सुनते आ रहे हैं। उसी के साथ में एक पत्रकार की तरफ से पूछे जाने पर उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर आरक्षण का घोटाला हुआ है, अधिकारियों की तरफ से कुछ गलतियां कर दी गई जिसको लेकर सुधार किया जा रहा है, जैसा कि आप सभी संबंधित वीडियो के माध्यम से सुन भी सकते हैं। से यूपी तक के मंच से दावे से कह के जा रहा हूं, बिना 1 रुपया दिए लगभग 5 लाख नौकरियां अब तक उत्तर प्रदेश में दी जा चुकी। आप नौकरियों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो शिक्षक भर्ती का मामला है उसमें ओबीसी ही नाराज है और जगह जगह आप ही के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। और आपको कुछ तकनीकी कहीं खामियां हैं, किसी अधिकारी ने कोई गड़बड़ किया है, उसकी सबकी समीक्षा की जा रही है, उसके लिए टीम गठित कर दी गई है। न्याय देना सरकार की जिम्मेदारी है, किसी के साथ अन्याय हुआ न्याय करेंगे, और कहीं कोई भ्रमित है तो उसका भ्रम दूर करने का काम करेंगे। हमारी सरकार की मंशा स्पष्ट है कि हम नौकरियों को पाने के लिए भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे और नहीं होने दिए। से यूपी तक के मंच से दावे से कह के जा रहा हूं, बिना 1 रुपया दिए लगभग 5 लाख नौकरियां अब तक उत्तर प्रदेश में दी जा चुकी। आप नौकरियों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो शिक्षक भर्ती का मामला है उसमें ओबीसी ही नाराज है और जगह जगह आप ही के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। और आपको कुछ तकनीकी कहीं खामियां हैं, किसी अधिकारी ने कोई गड़बड़ किया है, उसकी सबकी समीक्षा की जा रही है, उसके लिए टीम गठित कर दी गई है। न्याय देना सरकार की जिम्मेदारी है, किसी के साथ अन्याय हुआ न्याय करेंगे, और कहीं कोई भ्रमित है तो उसका भ्रम दूर करने का काम करेंगे। हमारी सरकार की मंशा स्पष्ट है कि हम नौकरियों को पाने के लिए भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे और नहीं होने दिए। तो जैसा कि आप सभी ने वीडियो के माध्यम से सुना, उनकी तरफ से यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में जानकारी दी गई कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर आरक्षण को लेकर थोड़ा ऊपर नीचे देखने के लिए मिला है। कुछ अधिकारियों की तरफ से इस मुद्दे को लेकर विचार किया जा रहा है, सरकार की तरफ से कमेटी बनाई गई है और कमेटी के बाद में जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर यहाँ से जो फैसले वो लिए जाएंगे। ऐसे में सरकार के अधिकारियों की तरफ से या फिर बेसिक शिक्षा मंत्री का तो मानना था कि 69,000 के अंदर आरक्षण का घोटाला नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल अगर देखें उप मुख्यमंत्री के बयान को लेकर तो उनकी तरफ से जानकारी दी जा रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर कुछ ऊपर नीचे देखने के लिए मिला है अधिकारियों की टेक्निकल समस्या के चलते या फिर जो भी चीज़ें हैं। अगर ऐसा होता है तो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर बड़ा उलटफेर हो सकता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। ऐसे में भर्ती तो फिलहाल पूरी होगी लेकिन विवाद अभी भी समाप्त नहीं हुए हैं। उसी क्रम में आप सभी के सामने उप मुख्यमंत्री का भी बयान देखने के लिए मिलता है। अब कमेटी की तरफ से क्या फैसला लिया जाएगा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, लेकिन आज के बयान के काफ़ी मायने निकाले जा सकते हैं। बाकी इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके अवश्य बताएं, वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।